टू माय यूट्यूब चैनल में अमित कुमार योगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो भी रिसेंटली नॉरसेट 2023 का जो पेपर हुआ है उसके पेपर के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये बात करेंगे कि जो नॉरसेट 2023 का जो पेपर है वह कौन से बुक से आया है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये बता के भी चलूँगा कि जो नॉरसेट का एग्जाम सेप्टेम्बर के अंदर होने वाला है, जो साथ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोग देख रहे होंगे, तो उसके लिए आपको किस प्रकार प्रिपरेशन करें कि आपके पास अभी 3 महीने का टाइम है, तो जिससे कि आपके नोटशीट सितंबर का एग्जाम आपसे क्लियर हो जाए और आपको जो मनचाहा जो आपका इंस्टीट्यूट है, आप जो भी इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं, वो आपको वहां तक पहुंचने में सफलता मिले। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो नोटशीट के जो कुछ मैंने कुछ पेपर में से कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने क्या किया कि जो अपने जो आरएन एन कलेक्शन सौंदर्स की जो बुक है, सौंदर्स की बुक में से मैं दोस्तों आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मैं आपको उस बुक में से मतलब कि एग्जामिनर लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ के चलाएं, और एक बार ही नहीं, बार बार आप किसी न किसी एग्जाम के अंदर उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो अपने जो आरएन एनक्लेक्स वाली बुक है, कौन सी वाली दोस्तों, एनक्लेक्स बुक, ये बेटा दोस्तों ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हैं कि नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। दोस्तों, आप क्या करते हो कि जैसे कि आप अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, साथ ही आप टारगेट है या पियर है, दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जैसे कि पियर यादव की बुक हो गई, या फिर क्या दोस्तों, या फिर टारगेट आई की बुक होगी, इन दोनों बुक में से क्या कर रहे हो, बार बार क्वेश्चन लगा रहे हो। ठीक है, आपने नोट्स पे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, लेकिन पीआर और टारगेट आई के क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, फिर भी आपका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, शायद कुछ ना कुछ कमी है। दोस्तों, वह कमी क्या है, वह कमी ये आरएन एनक्लेक्स की बुक की। आप इस बुक को प्रेफरेंस नहीं कर रहे, क्योंकि बात अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे बोल सकते हैं कि सर कि जो हम जिस भी कोचिंग से हम कोचिंग कर रहे हैं, उस कोचिंग का लेवल एक सौंदर्य की बुक उससे अच्छा लेवल है, हमको जो कंटेंट दिया जा रहा है एक नोट्स के अंदर, वह सौंदर्य की बुक से अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, तो फिर हम इस बुक को क्यों पढ़े। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या है कि आपने जैसे कि नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद सौंदर्य की बुक को पढ़ने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, सौंदर्य की बुक के अंदर जो प्रत्येक चैप्टर के बाद जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न आप देखोगे, यानी कि प्रत्येक चैप्टर के बाद दोस्तों आप इसमें क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मैं पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको प्रत्येक चैप्टर के बाद दोस्तों आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, साथ ही क्या इमेज बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, यहां तक कि जो एम्स ऋषिकेश में, बेटा बात दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एम्स ऋषिकेश की, जिसने कि 2018 एंड 19 के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसके अंदर क्या थे दोस्तों, मल्टीपल चॉइस, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन थे। मल्टीपल चॉइस का मतलब यह है कि दोस्तों आप एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास नॉर्मली क्या होता है, वन लाइन जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आता है और किसी एक पर सिलेक्ट अपने को चूज करना होता है। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या है कि जैसे कि अपने को 5, 6 और 7, यानी कि एग्जामिनर अपने को एक क्वेश्चन के अंदर 7 ऑप्शन दे दिया, फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन यह पूछेगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन से आंसर करेक्ट हो सकते हैं। इन सभी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों सौंदर्य की बुक में प्रत्येक चैप्टर के पीछे दिए गए हैं, यानी कि आप यदि उस बुक के क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप दुनिया का ऐसा कोई भी नर्सेस का एग्जाम नहीं है जिसको आप फाइट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी कमी आपकी यही रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आई होप आप सितंबर का आपका जो सितंबर में जो एग्जाम होगा उसमें आपको अपने नोट्स तो अच्छे से रिवाइज करने हैं। देखो, नोट्स तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, नोट्स तो ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगा। यदि आपके नोट्स अच्छे से क्लियर नहीं है तो सौंदर्य की बुक आपको दोस्तों समझ में आने में थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी नहीं समझ में नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल को सामना करना पड़ेगा उसमें। नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, आपके पास 3 महीने का टाइम है, आपको दोस्तों जो एनक्लेक्स की बुक है
एनक्लेक्स की बुक है सौंदर्स की, इसको आपके इसकी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना है, साथ इसके क्वेश्चन के जो आंसर है ना उनकी रेसलेंस को भी अच्छे से रिवाइज करना है, ये आप ध्यान रखना है। यदि आप इतना सा कर लेंगे ना दोस्तों, उसके बाद देखना कि आपके नोट सेट्स 2023 का जो एग्जाम होने वाला है सितंबर के अंदर, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैं बात करूंगा दोस्तों बिना किसी देरी किए हुए कि जो सौंदर्य की बुक है उसमें आपको मैं एविडेंस बताऊंगा आपको, मैं साथ ही कौन कौन से क्वेश्चन है जहां से डायरेक्ट एग्जामिनर ने अप्रोच किए हैं। देखो सबसे पहले बात है एक क्वेश्चन नंबर 758 दोस्तों, ये सौंदर्य की बुक के अंदर पेज नंबर 954 के ऊपर है, पेज नंबर बोल रहा हूँ, पेज नंबर 954 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 578 है। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि एग्जामिनर में तो आपके पास क्वेश्चन आया था कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ईसीजी में क्या चेंजेस होंगे, लेकिन यह क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पोटेशियम का लेवल कम होगा तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के आपको यदि इस क्वेश्चन का रेसलन को जिस भी बच्चे ने ये बुक सोल्व की होगी तो इसके रेसलन के अंदर यह भी दिया गया है कि पोटेशियम का लेवल ज्यादा होगा तो ईसीजी में क्या चेंजेस होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों ये सौंदर्य की बुक से लिया गया है। नेक्स्ट में बात करूंगा, एक क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप एग्जाम के अंदर जो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया शायद उनको ऑप्शन याद होंगे, तो एग्जाम के अंदर दोस्तों क्या क्या थे सिम्टम, क्या क्या आए थे। एक तो सिम्टम दोस्तों इसके अंदर देखो दे रखे हैं ये वाला, एक ऑफ सिम्टम था बेटा दोस्तों क्या था, थ्रोम्बिक हेडेक वाला था, ठीक है। इसके बाद में एक ऑप्शन में ये था ऑप्शन एन की ये पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 ये दोनों क्या थे, दोनों क्या थे ऑप्शन में थे, यानी कि यही आंसर अपना गया था। यानी कि एग्जामिनर देखिए ना, एग्जामिनर आपकी जो सुंदर की बुक है उनमें किसी भी डिजीज के साइन सिम्टम दे रखे हैं डायरेक्ट दोस्तों वहीं पूछ के चल रहे, आपको इधर उधर अनवांटेड अननेसेसरी बुक्स परचेज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको मैं फिर बता रहा हूं, याद रखिए आपको क्या करना है, नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, सौंदर्य की बुक अच्छे से रिवाइज करनी है, साथ में आप या तो पी आर यादव के क्वेश्चन लगा सकते हैं या फिर टारगेट हाई के क्वेश्चन लगा सकते हैं। दोनों में से दोस्तों कोई से भी आप एक बुक चूज कर लीजिए, उनके क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, लेकिन आपको सौंदर्य की बुक को स्किप नहीं करना, इसको तो आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं मैं दोस्तों कि जो अपने ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो भी मैंने रिसेंटली बताया है कि पोटेशियम का लेवल ज्यादा होगा तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो देखिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से लिया है। नेक्स्ट बात करूंगा मैं आपसे दोस्तों, ये दो एक क्वेश्चन आया था अपने पास कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा साथ ही पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा उसके अंदर आपको नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, नर्सिंग एक्शन क्या रहा था, एक क्वेश्चन देखो यहां से आया था पेज नंबर 691। यदि दोस्तों आपको बिलीव नहीं हो तो एक बार आप सौंदर्य की बुक आपके पास होगी उसको खोल के चेक कीजिए, जितने भी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे पेज नंबर मिलाइए, सब चीजें वहीं से स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने में दिखा रहा हूं। आपको ये सब चीजें मैं दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको को ये लगे कि ये बुक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, इस बुक से साथ आपको फ्रेंडली होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बुक आपकी एग्जाम में कितनी हेल्प कर सकती है, ये सब बताने के लिए मैंने इस बुक के आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करता हूं, ये एक इसी जगह क्वेश्चन आया था अपने पास, ये देखो ऐसे एग्जाम में देखो दोस्तों ये जो ईसीजी का पैटर्न दे रखे हैं 1 2 3 4 दोस्तों ये चारों पैटर्न एग्जाम में एम्स के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और ये तो है नहीं कि एम्स के एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आके दोबारा रिपीट नहीं होगा, कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको पता ही है, जैसे कि नोट सेट कौन सा कि दोस्तों नोट सेट 2021 है और 2022 है, नोट सेट 2021 और 22 ये दोनों नोट सेट ऐसे थे कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पीआर यादव या फिर टारगेट हाई पीआर या टारगेट दोनों में से कोई एक बुक अच्छे से सोल्व की होगी तो उनको आसानी से सिलेक्शन हुआ एग्जाम के अंदर। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से जो अभी एम्स के अंदर नए नए स्टूडेंट्स अभी ज्वाइनिंग 2021 और 22 के अंदर बहुत सारे आए हैं, तो उन सभी बच्चों का एक ही रिव्यू था कि सर हमने तो यूट्यूब से बहुत सारे क्वेश्चन
जो करवाते थे यूट्यूब पे उनको देख के हम पास हो गए। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी थे कि बोले हम तो पीआर यादव की बुक पढ़िए और नोट्स एक या दो बार रिवाइज किया है और हमारा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि दोस्तों नोट सेट 2021 और 22 का जो पैटर्न था वह उसके अंदर क्या था, मैक्सिमम क्वेश्चन कहते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे या फिर किसी ने किसी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे। लेकिन ये तो है नहीं कि अपन एम्स को अपन बाउंडेशन में नहीं कर सकते कि भाई आप तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, पीआर यादव टारगेट ऐसे क्वेश्चन दीजिए। एम्स अपना पैटर्न कभी भी चेंज कर सकता है जो 2023 में चेंज किया है। इससे पहले भी एम्स अपने पैटर्न को बार बार चेंज करता हुआ आया है। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको एक इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि 2016 से लेके क्या कि दोस्तों कि 2016 से लेकर 2023 तक एम्स ने अपने एग्जाम में पैटर्न में क्या क्या चेंजेस किए हैं और कौन कौन से एग्जाम में एम्स ने अपना क्या पैटर्न रखा है, इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। उसका वीडियो आपको जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। तो चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। साथ ही अपने नोट सेट 2023 के अंदर देखो ये वाला क्वेश्चन आया था नॉन रिवीजर मार्क्स का, देखो ये वाला ये क्वेश्चन। अब जिस भी बच्चे ने सौंदर्स की बुक पढ़ी होगी उसका तो एक नंबर मिल गया भाई, उसको नेगेटिव मार्किंग नहीं। और एक नंबर की वैल्यू उन्हीं स्टूडेंट्स को पता है जो आधा नंबर या एक नंबर या दो नंबर से सिलेक्शन होने से रुक रहे हैं या उनका हो नहीं पा रहा है। साथ ही बट ये बेटा ये दोस्तों ये दो मार्क्स दे रखे हैं, दिस वन और दिस वन, देखिए ये दोनों भी एम्स के किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। यानी कि जो ये एक ही ये दो पेज है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है सौंदर्स की, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, उसी का बेटा मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। कहां से? यह है एमएसएन का पार्ट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां से मैंने पार्ट इसका स्क्रीनशॉट लिया बेटा कि ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये मास्क इस मास्क की इमेज भी एग्जाम में आई हुई है और इस मास्क की इमेज भी एग्जाम हुई। यानी कि जो ये तीनों मास्क है 1, 2 और 3 तीनों क्या बेटा एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए यहां पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूंगा मैं कि साथ ही दोस्तों आपने एक क्वेश्चन और देखा होगा एग्जाम के अंदर कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब कि ड्रेसिंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक गुंड हो रखा है तो आपको किस प्रकार की ड्रेसिंग करोगे आप। तो दोस्तों जितने भी टाइप के ड्रेसिंग मटेरियल है कौन कौन सी ड्रेसिंग होती है या फिर कौन से ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग कुछ वुंड के किस प्रकार ड्रेसिंग करनी चाहिए, ये सब डिटेल भी अपने सौंदर्स के बुक में दी गई है। ये पेज नंबर 495 से मैं इसको लिया हूं। देखिए आप इधर ड्रेसिंग के बेटा यहाँ पे देखो ये ड्रेसिंग के टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, और उसके साथ मैकेनिज्म एक्शन क्या है, यानी कि जो जिस प्रकार के आप ड्रेसिंग कर रहे हैं उसकी वह कौन सी मैकेनिज्म एक्शन होगी जिसके कारण वुंड की हीलिंग इजिली या फिर जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो दोस्तों ये भी क्या ड्रेसिंग मटेरियल का टाइप है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों इबेड शोर, दोस्तों ये क्वेश्चन तो एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो क्या है एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। या तो ये क्वेश्चन इमेज के रूप में देखने को मिल सकता है, या फिर क्या बेट या क्या फिर थ्योरिटिकल क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है। यानी कि इस बार नोट सेट 2023 के अंदर भी क्या क्वेश्चन आया था, क्या कौन सा आया था, सेकंड डिग्री बेड शोर का क्वेश्चन आया था। यानी कि एग्जामिनर क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा था कि ब्लिस्टर का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है, तो दोस्तों ब्लिस्टर का फॉर्मेशन सेकंड स्टेज के अंदर होता है प्रेशर, देखिए आप दिस इज सेकंड स्टेज, इसके बारे में पूछा गया। साथ ही दोस्तों जो एग्जामिनर जो अपना जो एग्जामिनर जिसने क्वेश्चन बेड शोर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर जो ऑप्शन थे आप सौंदर्स की बुक में देखना, आप शायद आपको दिख नहीं पा रहे होंगे उसमें, देखो यहां पर तीन पॉइंट लिखे हुए, तीन या चार पॉइंट लिखे हुए हैं, यहां से ही एग्जामिनर ने एग्जाम में क्वेश्चन लिया है। देखिए कहां से, मतलब कि आप ये सोच सकते हैं कि एग्जामिनर सौंदर्स की बुक में से कहां से बारीकी ढूंढ रहा है। अपन जनरली क्या करते हैं, कोई भी डिजीज पढ़ रहे हैं उनके डिजीज की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, साइंस सिम्टम पढ़ लेंगे, कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन एक दो पढ़ के चले जाएंगे। हम क्या करते हैं डायग्राम के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट या की पॉइंट लिखे हुए होते हैं उनकी तरफ शायद ही कोई स्टूडेंट ध्यान देता होगा। जो स्टूडेंट इन सब चीजों के प्रति अवेयर रहते हैं उनका एग्जाम में सिलेक्शन होना भी आसान रहता है। देखिए एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए आप मतलब कि सौंदर्स की बुक की इंपॉर्टेंस क्या है।
नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि दोस्तों अपने पास एक क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोसेफलस से रिलेटेड, हाइड्रोसेफलस से रिलेटेड इसके अंदर अपने से पूछा गया था कि इंक्रीज आईसीपी से रिलेटेड की पेशेंट इंक्रीज आईसीपी के अंदर कि पेशेंट के अंदर हाइड्रोसेफलस हो रखा है, तो अपने से बेसिक नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा था। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू डिजीज या अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन कि पेशेंट के अंदर कौन से डिजीज कंडीशन है उसके कारण आईसीपी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उन सब चीजों के बारे में नर्सिंग इंटरवेंशन देखो पेज नंबर, ये चैप्टर नंबर 35 पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो पार्ट है पेज नंबर, ये चैप्टर नंबर 35 है बेटा दोस्तों, आप इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखें यहां पे आप। साथ ही ये भी क्वेश्चन देखो लास्ट में एक नोट दे रखा है रेड लाइन के अंदर, ये भी ये एग्जाम में पूछने को मिला था, ये भी एक ऑप्शन था। देखिए कितनी इंपॉर्टेंस इस बुक के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं इस बुक की, आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, शायद ही किसी ने आपको इस बुक के बारे में बताया होगा। सभी लोग क्या करते हैं अपनी अपनी अपने अपने व्यू देते हैं कि आप ये पढ़ लो या वो पढ़ लो, बता जो स्टैंडर्ड बुक है उसके बारे में बात बहुत कम करते हैं। तो आपको नोट्स पढ़ते रहिए, सौंदर्य की बुक पढ़ते रहिए। मैं बेटा नोट्स दोस्तों नोट्स के लिए कभी मना नहीं कर रहा हूँ, नोट्स तो बेसिक चीज है, यदि आपके नोट्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो सौंदर्य की बुक को पढ़ने में समझने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद सौंदर्य की बुक को पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए। इस बुक को पढ़ने के लिए आपको बेटा दोस्तों पेशेंस की आवश्यकता है। साथ ही एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था केरोसिन की पॉइजनिंग में यदि कोई बच्चा केरोसिन पी जाता है तो उसके बाद आप क्या नहीं करोगे आप कि जिससे कि वह पॉइजन और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए। तो दोस्तों उसके अंदर क्या था कि आपको जो पेशेंट है उसको वोमिटिंग नहीं करवाना उसको, देखो ये देखो यहां दे रखा है पेज नंबर 408, नोट कीजिए दोस्तों कितना पेज नंबर 408 में राइट साइड कॉलम में दोस्तों ये पॉइंट नंबर 3 है, इसके अंदर तीन इंटरवेंशन दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है। तो इसके अंदर जो बी वाला जो पॉइंट है ये एग्जाम में पूछा गया है, देखो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम की बारीकी देखिए आप। नेक्स्ट बात करूंगा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा आपसे उसमें रिलेटेड जो नर्सिंग केयर पूछी है कि सिकलिंग प्रोसेस के, यानी कि बच्चे के जो आपको पता होगा क्वेश्चन, यानी कि सिकल सेल एनीमिया के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, जितने भी टाइप्स होते हैं, उन सभी से रिलेटेड नर्सिंग केयर सभी का बुक के अंदर सौंदर्य में दे रखे, देखे 6368 नंबर पेज पे। यानी कि दोस्तों मैं एक बार आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम जब कंप्लीट बुक ही पढ़ लेंगे तो फिर, जब क्वेश्चन एक कंप्लीट बुक में से आ रहे हैं तो फिर आपके बताने का मतलब क्या है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मेरा बेसिक बताने का मोटो ये है कि यदि आपका थ्योरी पोर्शन स्ट्रांग है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपका स्ट्रांग है, तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन का पैटर्न कैसा भी रहे, कितनी बार पैटर्न चेंज करें, आपके से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोगों को, आपका सिलेक्शन होना है। याद रहे यदि आपका थ्योरिटी वाला पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग होगा, तो थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग होना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या है कि दोस्तों आप जब एक ही बुक से बार बार क्वेश्चन करते हैं तो आपको लगभग उस क्वेश्चन का आपको आंसर भी याद हो जाता है। इससे नेगेटिव पॉइंट क्या रहेगा कि आप उस बुक के कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर तो आपको पता होंगे, लेकिन यदि उस टॉपिक से रिलेटेड नया क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप उसको अप्रोच नहीं कर पाओगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि थ्योरेटिकल पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बार बार रिवाइज कीजिए, कोई चीज भूल रहे हैं तो एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं दोस्तों, ये एमपीटीगो, एमपीटीगो का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो ये एमपीटीगो टॉपिक दे रखा है, इसमें कंप्लीट एमपीटीगो के बारे में बता रखा है कि साइंस सिम्टम क्या है, डिजीज की डेफिनेशन क्या है, साथ ही बेसिक नर्सिंग केयर रिलेटेड क्या क्या देनी पड़ेगी आपको पेशेंट को, सब दे रखा है इसके अंदर। दोस्तों मैं इन टॉपिक्स के बारे में ये बता इसलिए रहा हूं, जैसे किसी भी डिजीज से, कोई भी डिजीज है, तो जरूरी तोड़ना है कि कोई भी डिजीज है उससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ गया, उसके साइंस सिम्टम्स रिलेटेड क्वेश्चन आ गए,
क्या पता उसी डिजीज का एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम आपसे नर्सिंग केयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। यानी कि नर्सिंग केयर के अंदर आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखेंगे या फिर सेकेंड प्रायोरिटी क्या रखेंगे, मैं इसलिए आपके सामने सब चीज डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शायद दोस्तों अपने पास एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम में कि हाइपरटोनिक ओबीजी का क्वेश्चन है, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी का, कि हाइपरटोनिक यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। तो जैसे कि उसमें शायद मेरे को जहां तक याद है उस क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि 3 सेंटीमीटर तक तो क्या डायलेशन हो रखा है, उसके बाद में क्या जो कॉन्ट्रैक्शन है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है, और साथ ही लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना था, उसके अंदर ऑप्शन में था, उसका आंसर क्या था कि ऑक्सीटोसिन था, उसको क्या करना था अपने को स्टॉप करना था, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के कारण क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे थे। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो हाइपरट्रोनिक यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन है इसके बारे में कंप्लीट बता रखा, एक एक पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रायोरिटी इसके अंदर 1 to 6 पॉइंट बता रखे हैं। दोस्तों मैं सौंदर्य की बुक का मैं बता रहा हूं, जैसे कि एग्जाम के अंदर आपके पास क्वेश्चन आया ऑप्शन में था कि स्टॉप ऑक्सीटोसिन ट्रांसफ्यूजन, चलो एक बार तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ के चल सकता है कि एक महिला है उसका सर्वाइकल डायलेशन एक्स हो रखा है, कॉन्ट्रैक्शन वाई है, और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और हाइपर कॉन्ट्रैक्शन है जिससे कि सर्वाइकल डायलेशन प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहा है, तो आप और नर्स ने क्या कर, नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, उसने क्या किया कि ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन पहले ही बंद कर रखा है, तो सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी। एग्जामिनर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच आप तभी कर पाएंगे तब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बेसिक नर्सिंग केयर पता हो या फिर आपको यह पता हो नर्सेस का रोल क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है। तो देखो दोस्तों इसमें सब दे रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखा है इसमें, सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है, फोर्थ दे रखा है, फाइव दे रखा है और सिक्स दे रखा है, यानी कि दोस्तों सिक्वेंस भी यही रहने वाला है। यदि आप में एग्जामिनर ये पूछता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में कि नर्स ने क्या किया कि ऑक्सीजन को स्टॉप कर दिया, तो सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, तो उसमें आपका आंसर जाएगा टर्न द क्लाइंट, यानी कि पेशेंट को साइड लाइन उसको टर्न करना है, ठीक है, जो उसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट देखो सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये आप देख सकते हैं, आप देखिए ये। इसके बाद आपके क्वेश्चन आया था जिटपाल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, जिटपाल से रिलेटेड, देखिए यहां पे जिटपाल को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा विद एग्जांपल। अब जिस भी बच्चे ने बुक सोल्व की है उसका तो आंसर एक एक नंबर मिल गया उसको, देखो कितने इंपॉर्टेंट इसकी बुक की। दोस्तों मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो तो जो मेरे को मिले हैं डायरेक्टली रिसेंटली जो रेंडमली मिले हैं उसके इंपॉर्टेंट मैं वीडियो आपके सामने बताने के लिए क्या इस बुक की इंपॉर्टेंस है वो बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो अपने को आप जब इस बुक को आप रिवाइज करेंगे नोट सेट 2023 के अंदर सितंबर में उसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि खास में ये बुक आज से पहले पढ़ चुका होता तो मेरे को आज दोबारा नहीं पढ़ना होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेबर की स्ट्रेस रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट में देखिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, इन दोनों को कितने अच्छे से इस बुक में डिस्क्राइब कर रखा है। ये नोट सेट 2023 में आया था क्वेश्चन एनएसटी से रिलेटेड, देखो इसमें कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। अब जिस भी स्टूडेंट्स ने यहाँ से पढ़ाई की है उसको तो भाई सिलेक्शन होना ही है ना। फिर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे जिनका सिलेक्शन, सर मैंने तो नोट्स अच्छे 5 से 10 बार नोट्स पढ़ लिए, मैंने टारगेट आई बुक्स निकाली, पीआर आई द बुक निकाली और मार्केट में 2-3 और बुक है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि और प्रीवियस ईयर की जो बुक्स है वो मैंने परचेज किए, सबके क्वेश्चन निकाल लिए मैंने, लेकिन क्या नहीं किया, सर मैंने सौंदर्य की बुक नहीं पढ़ी और मोस्ट के क्वेश्चन नहीं निकाले। जिसने दोनों जिस भी भाई बहन ने सौंदर्य की बुक नहीं पढ़ी, मोजबे की बुक नहीं पढ़ी ना, आपका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। साल में 1 या 2 बार एग्जाम होते हैं, यदि वो पूरा साल आपका चला जाएगा ना तो क्या मतलब कैसे तैयारी करने का। आप सोचो ऐसे तैयारी करने का क्या मतलब है जिसमें कि जो तैयारी आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करे। आप नोट्स के साथ सौंदर्य की बुक को पढ़ेंगे ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग थोड़ा डर सा लगता होगा कि यार इतनी बड़ी बुक है कैसे कंप्लीट होगी, लेकिन कुछ नहीं, आप नोट्स को अच्छे से, मैं बार बार देखो एक ही शब्द बोल रहा हूँ, नोट्स के बाद सौंदर्य को आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
मैं इसको पढ़ने के लिए इसलिए बोला हूँ आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले कि अब तक एम्स ने 2016 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन एम्स ने एग्जाम में दिए हैं या फिर जो भी पैटर्न एम्स ने अपना एग्जाम का रखा है वो सब सौंदर्स के पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, मुस्मे का इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, मल्टीपल चॉइस सोचे अभी तक नोट सेट के अंदर मल्टीपल टाइप चॉइस के क्वेश्चन तो नहीं आए। जिस दिन मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन नोट सेट के एग्जाम में दोस्त आने लग जाएंगे ना तो आप सोचो शायद जो बच्चे मतलब कि नोट्स या प्रीवियस ईयर की बुक्स के भरोसे हैं ना उनका कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि यदि मेरे बात का आपको बिलीव नहीं, किसी भी मेरे किसी भी दोस्त के जो जो मेरे को भी देख रहे हैं इससे कि किसी भी सीनियर या फिर कलीग्स एम्स ऋषिकेश में जॉब कर रहे हो जो एग्जाम 2028 और 19 में हुआ था या फिर जो जोधपुर एम्स में जॉब कर रहे हो जो 17-18 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके अंडर, उनसे आप एक बार पूछ लेना कि रियल एम्स का स्टैंडर्ड क्या है। यदि वैसे क्वेश्चन एम्स के नोट सेट के अंदर आने लग गए ना बैठना दोस्तों तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। टाइम है आप अभी पढ़ लीजिए जितना आपके पास टाइम है। तो नेक्स्ट बात करूंगा मैं, देखिए साथ ही एक चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये भी यहीं से आया था, इसमें कंप्लीट बता रखा है जो चेस्ट ट्यूब के बारे में जी की जो वाटर का जो ऑसिलेशन कब होता है कब नहीं होता, ट्यूब ब्लॉक होती है तब पहचान कैसे होगी, एयर लीकेज होगा तो क्या होगा, ट्यूब डिस्कनेक्ट कब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सब कुछ इसमें दे रखा है। देखिए नेक्स्ट ड्रग डोज कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ से क्वेश्चन था, ड्रॉ फैक्टर का क्वेश्चन था। देखिए आप साथ ही एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा था कि जो एपिकल पल्स कहाँ फील होती है, ये देखिए यहाँ से आया था क्वेश्चन। साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन था एक कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ना यहाँ पे दे रखा है, यानी कि नर्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, बाद में क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ड्यूरिंग क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए नर्स को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी दे रखा। देखो दोस्तों देखा प्रायोरिटी का अकॉर्डिंग दे रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखा, सेकंड दे रखा, थर्ड दे रखा। दोस्तों एग्जामिनर आपसे कई बार फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं पूछ के सेकंड प्रायोरिटी पूछ सकता है, तो उसमें क्या कि आपको यदि आपने अच्छे से नर्सिंग केयर रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, यदि आपको स्टेप बाय स्टेप नर्सिंग प्रायोरिटीज पता है किसी भी डिजीज के अकॉर्डिंग तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक नेक्स्ट देखिए मेनिंजाइटिस का रिलेटेड क्वेश्चन आया था, देखिए मेनिंजाइटिस यहां से आया था वो। साथ ही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्वेश्चन आया था, देखिए दोस्तों ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का जो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन यहां से क्वेश्चन है डायरेक्ट पेज नंबर 469 देखेंगे आप यहां से। ये था फिटल हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करना और नर्सिंग प्रायोरिटी आपको क्या करना चाहिए। ये देखो WHO की चेकलिस्ट, इसमें साइन इन है, टाइम आउट है, साइन आउट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये भी क्या दे रखा है लास्ट के अंदर दे रखा है बेटा, लास्ट में देखना दोस्तों आप वहां दे रखा है। ठीक है तो दोस्तों मेरा आपको ये जो सौंदर्स के जितने भी स्लाइड्स थी वो दिखाने का बेसिक पर्पज ये था कि आपको सौंदर्स के बुक फॉलो करना है, जो भी आपने पिछली गलतियाँ की है उन सभी गलतियों को भूलना है, आगे बढ़ना है, यही समय है। दोस्तों यदि आपका नोट सेट 2023 के एग्जाम जो सितंबर में होने वाला है यदि इसके अंदर आपका सलेक्शन नहीं हुआ ना तो आगे सलेक्शन होना मुश्किल है। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि दोस्तों नोट सेट जो सितंबर में होगा इसके अंदर जो जितने भी एम्स है इनमें इनका टारगेट एम्स का टारगेट यह है कि सितंबर तक जितनी भी वैकेंट सीट है ना इनको फुल करना है इनको, यानी कि बाद में दोस्तों वैकेंसी तो आएगी लेकिन जितनी वैकेंसी भी अरेन्ज है उतनी नहीं आ पाएगी। आप मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप फोकस रखिए। साथ ही देखो तीन पॉइंट याद रखा, आप नोट्स पढ़िए, सेकंड पॉइंट आप आरएन एंड क्लैक्स कौन से वाले सौंदर्स वाले ये पढ़ना आपको, इसकी थ्योरी अच्छे से रिवाइज करना है।
साथ ही दोस्तों आपके पास टाइम हो तो देखो मौसमी की क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 3 महीने का टाइम है। यदि 3 महीने के अंदर आप नोट्स के साथ सौंदर्य की बुक पढ़ लेते हैं वो साथ ही पीआर यादव या फिर टारगेट हाई, पीआर या टारगेट हाई, इन दोनों में से कोई भी एक आप बुक सोल्व कर लेते हैं तीनों में से, ये तीनों काम कर लीजिए। अरे तीनों काम यानी कि नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिया आपने, सौंदर्य की बुक अच्छे से पढ़ लिया आपने, पीआर और टारगेट के क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लिए। इसके बाद में क्या करना है आपको, आपके पास टाइम है तो आप मोहसवे की ओनली क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा आपका, आपको ऐसा नहीं लगेगा। साथ ही आपको ऑल टाइप के क्वेश्चन पैटिंग यानी कि एम्स कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो दोस्तों आपको पता लग जाएगा। यानी कि इस बुक में, सौंदर्य की बुक में जितने क्वेश्चन पैटर्न दे रखे ना, इनसे बार एम्स क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। अभी सौंदर्य की बुक के अंदर एक पैटर्न है जो अभी तक नॉर्थ सेट के एग्जाम में या दिल्ली एम्स ने अपने जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उसके अंदर नहीं पूछा गया, वह पैटर्न कौन सा है, मल्टीपल चॉइस वाला, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन अभी तक ओनली एम्स ऋषिकेश का जो एग्जाम हुआ था, किसका, कि एम्स ऋषिकेश का जो एग्जाम हुआ था उसी के अंदर पूछा गया, जो कि 2000 किस में होता, 18 में 19 के अंदर हुआ था। इसी एक यही अभी तक एम्स ऋषिकेश ने ही मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन फॉलो किया, साथ ही एम्स रायपुर ने भी, एम्स रायपुर का भी एक एग्जाम हुआ था इसके अंदर भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछा गया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब क्या दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से मतलब मेरा ये है, मल्टीपल जो चॉइस के जो क्वेश्चन है ना, इनसे मतलब मेरा ये है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको कितने मोर देन 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम आपसे आंसर फिर ऑप्शन क्या देगा आपसे, जैसे कि इसमें 1 2 3 ये ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर 3 6 4 अकॉर्डिंग प्रायोरिटी पूछ सकता है, या फिर 1 3 6 यानी कि ऐसे, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने रहेंगे। अभी तक ये पैटर्न नो सेट ने नहीं अडॉप्ट किया, यानी कि नहीं लिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम नो कब लिया नो सेट के अंदर, 2023 के अंदर भी ये पैटर्न देखने को देख चुके हैं आप, नोशेट 2023 में भी पैटर्न देख चुके हैं आप दिल्ली एम्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है, कौन कौन से बुक पढ़नी है, साथ ही सुंदर्स की जो बुक है उसकी इंपॉर्टेंस बताई मैंने, कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं मैंने आपको वो बताया। तो मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, साथ ही अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, उनको पता लगे कि इस सौंदर्य की बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, नोट सेट के अंदर कैसे बेनिफिट रहने वाली है। साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरा आने वाला वीडियो उस पर टॉपिक ये रहेगा कि जो 2016 से लेकर 2023 तक एम्स ने अपने एग्जाम में कैसे कैसे पैटर्न चेंज किए हैं और उन सभी एग्जाम का पैटर्न्स क्या रहा है, उन सभी पैटर्न्स का कंक्लूजन निकाल के मैं आपको ये बताऊंगा कि सितंबर 2023 में एम्स के एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स।